हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो आईपीएल का 34वां मुकाबला खेला जाएगा, तो इस मैच को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा जो कि 23 सितंबर को 7:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से खेला जाने वाला है। सो पिच रिपोर्ट की सबसे पहले बात करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट पिच ही हो रही है। सो आबू धाबी में भी केकेआर का एक मैच आपने देख ही लिया था। वैसे तो देखिए स्पिन को उतना हेल्प यहाँ पे नहीं मिलता, बट फिर भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मुकाबले तो आबू धाबी में फिर भी स्पिन के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ है। वरुण चक्रवर्ती ने भी यहाँ पे 3 विकेटें निकाली थी अभी रिसेंटली, और चहल को भी 1 विकेट मिली थी। तो दुबई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आबू धाबी तो थोड़ा सा बेटर है, और स्पिनर्स को तो हालांकि फिर भी उतनी मदद नहीं है, बट बाकी वेन्यूज़ के मुकाबले देखें तो आबू धाबी में थोड़ी सी एडवांटेज तो स्पिनर्स को रहेगी बाकी वेन्यूज़ के मुकाबले। बाकी पेसर्स ही डोमिनेट करेंगे और रन्स यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। आप 160-170 के आसपास की स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं 6 मैच और मुंबई ने जीते हैं 22 मुकाबले। टोटल देखेंगे तो 28 मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं और मैक्सिमम मैचेस जो हैं वो मुंबई की टीम ने जीते हैं। प्लेयर बैटल की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है इस वीडियो का, तो एमआई बैट्समैन वर्सेस केकेआर बोलर्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्विंटन डिकॉक वर्सेस आंद्रे रसल का प्लेयर बैटल आता है। 18 बॉल में 37 रन दिए हैं इन्होंने, बट 2 बार विकेटें भी ली हुई हैं। तो क्विंटन डिकॉक वैसे तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं रसल के सामने, बट 2 बार अपने विकेट भी दे चुके हैं मात्र 18 बॉलों में। यानी कि अगर 1.5 से 2 ओवर रसल करा दें क्विंटन डिकॉक के सामने तो काफ़ी हद तक चांस है कि डिकॉक का विकेट ले सकते हैं। क्विंटन डिकॉक वर्सेस सुनील नारायण चलता है। 19 बॉल में मात्र 15 रन दिए हैं नारायण ने और 1 विकेट निकाली है। क्विंटन डिकॉक वर्सेस प्रसिद्ध कृष्णा 7 बॉल में 20 रन है और 1 विकेट है। क्विंटन डिकॉक वर्सेस वरुण चक्रवर्ती 9 बॉल में 7 रन है और 1 विकेट है। ये हो गई क्विंटन डिकॉक की बात केकेआर के बोलर्स के खिलाफ। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की, ये केकेआर के बोलर्स के खिलाफ कैसा खेलते हैं वो देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा वर्सेस आंद्रे रसल चलता है जिसमें 58 बॉल्स में 94 रन्स बनाए हैं रोहित शर्मा ने और 1 बार विकेट नहीं मिला रसल को। यानी रसल जो है वो रोहित शर्मा के सामने बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, तो रसल जो है इनइफेक्टिव हो जाते हैं रोहित शर्मा के सामने। तो आप कह सकते हैं अच्छी खासी पिटाई रोहित शर्मा आंद्रे रसल की कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 58 बॉल्स में विकेट नहीं ले पाए रसल रोहित का, तो अब क्या लेंगे। रोहित शर्मा वर्सेस सुनील नारायण काफ़ी एक अच्छा प्लेयर बैटल है, क्योंकि 127 बॉलें डाली हैं सुनील नारायण ने रोहित शर्मा को, जिसमें 133 रन दिए हैं और 7 विकेटें ली हैं। 7 विकेटें बहुत होती हैं 127 बॉलों के अंदर, तो थोड़ा सा चांस रहेगा नारायण का कि रोहित शर्मा को फंसा लें अगर शुरुआत में फंसा सके तो, वरना रसल तो कभी विकेट ले ही नहीं पाए रोहित शर्मा की। नारायण ने 7 बार विकेटें ली हैं जो कि बहुत अच्छा फिगर है। रोहित शर्मा वर्सेज प्रसिद्ध कृष्णा देखें तो 22 बॉल में 39 रन है और 1 विकेट है। रोहित शर्मा वर्सेस लॉकी फर्गसन देखें, 8 बॉल 17 रन 0 विकेट। यानी फर्गसन को अच्छा खेलते शर्मा, हालांकि इतना कोई अच्छा प्लेयर बैटल नहीं है, 8 बॉल में आप किसी को जज नहीं कर सकते, बट फिर भी ओवरऑल देखें तो फर्गसन ने 8 बॉल में विकेट नहीं निकाली और रन्स काफ़ी खाए हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खाए हैं। रोहित शर्मा वर्सेज चक्रवर्ती को देखें तो 24 बॉल में 31 रन है और 0 विकेट। यानी कि चक्रवर्ती ने भी रोहित शर्मा की अभी तक विकेट नहीं निकाली है। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव वर्सेज आंद्रे रसल देखेंगे, 14 बॉल में 24 रन है, 2 बार विकेटें ली हुई हैं मात्र, देखिए 14 बॉलें कराई हैं रसल ने सूर्य कुमार यादव को और 2 बार विकेटें ली हुई हैं। यानी रसल जो है वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है थोड़े से सूर्य कुमार यादव के सामने। सूर्य कुमार यादव वर्सेज नारायण देखेंगे तो 28 बॉल में 34 रन है, 1 बार विकेट नहीं मिली नारायण को, तो नारायण को थोड़ा सा बेटर खेल लेते हैं सूर्य कुमार यादव। इसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव वर्सेज प्रसिद्ध कृष्णा, 29 बॉल 41 रन 0 विकेटें। तो प्रसिद्ध कृष्णा की तो काफ़ी पिटाई करते हैं सूर्य कुमार यादव, तो अगर उनके सामने बॉलिंग करने आ गए तो अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन भी बनाएंगे और विकेट मिलने का चांस तो बहुत कम है, क्योंकि 29 बॉल में अभी तक 1 बार विकेट सूर्य कुमार यादव का प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में नहीं है। अब बात करें सूर्य कुमार यादव की वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, तो 7 बॉलें खेली हैं इन्होंने, 7 रन बनाए हैं और 1 बार अपनी विकेट दी है। तो चक्रवर्ती 1 बार विकेट ले चुके हैं सूर्य कुमार यादव की। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बाजू में आपको सारे स्टैट्स दिखी जाएंगे। अब बात करते हैं केकेआर बैट्समैन वर्सेज एमआई बोलर्स की, जिसमें शुभमन गिल वर्सेज ट्रेंट बोल्ट देखेंगे। 20 बॉल में 15 रन दिए हैं ट्रेंट बोल्ट ने शुभमन गिल को और 1 बार विकेट लिया है। यानी कि शुभमन गिल जो है वो थोड़ा सा ट्रेंट बोल्ट के सामने दबके खेलते हैं और स्ट्राइक रेट इनका थोड़ा सा कम हो जाता है, 75 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं बोल्ट के सामने। तो बोल्ट काफ़ी शार्प हैं और शुरुआत में अगर विकेट ले गए तो केकेआर की कमर टूट सकती है, क्योंकि शुभमन गिल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, केकेआर के लिए, और बोल्ट से उनकी थोड़ी सी राइवलरी तो है।
शुभमन गिल वर्सेज जसप्रीत बुमराह की बात करें तो 16 बॉल में 19 रन है और एक भी विकेट नहीं है बुमराह के पास अभी तक शुभमन गिल की। शुभमन गिल वर्सेज आर चहर देखेंगे तो 19 बॉल में 37 रन है, साथ ही साथ दो विकेटें भी हैं। तो चहर जो है वो थोड़े से विकेट टेकिंग होते हैं शुभमन गिल के सामने, बट शुभमन गिल जब खेलते हैं आर चहर को तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, यानी कि अगर 6 बॉलें करा दी आर चहर ने शुभमन गिल को तो 12-13 रन के आसपास वो लगा देंगे, बट थोड़ा सा चांस भी क्रिएट करते हैं आर चहर शुभमन गिल के सामने विकेट लेने का। शुभमन गिल वर्सेज कृणाल पंड्या देखें तो 20 बॉल में मात्र 13 रन दिए कृणाल पंड्या ने, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल, बट विकेट नहीं ले पाए अभी तक। तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, कृणाल पंड्या जो है बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत रन रोक के रखते हैं बट विकेट नहीं ले पाए हैं। इसके बाद आते हैं नितीश राणा वर्सेज ट्रेंट बोल्ट, 24 बॉल में 39 रन है, एक भी बार विकेट नहीं मिली, यानी ट्रेंट बोल्ट जो है अभी तक नितीश राणा की विकेट नहीं ले पाए 24 बॉलें कराने के बावजूद भी, और 39 रन भी खाए हुए हैं। नितीश राणा वर्सेज जसप्रीत बुमराह की बात करें तो 20 बॉल अभी तक बुमराह ने राणा को कराई हैं जिसमें 15 रन बनाए हैं राणा ने और 0 विकेट हैं, यानी कि राणा थोड़ा सा बुमराह को दबके जरूर खेलते हैं बट विकेट नहीं देते अपना। नितीश राणा वर्सेज आर चहर की बात करें, 17 बॉल में 25 रन है और एक बार विकेट दिया है अपना। नितीश राणा वर्सेज कृणाल पंड्या की बात करें, 14 बॉल में 17 रन है और 0 विकेटें हैं। आंद्रे रसल वर्सेज ट्रेंट बोल्ट देख लेते हैं, 10 बॉल 21 रन 2 आउट, सिर्फ देखिए ट्रेंट बोल्ट की 10 बॉल फेस करी रसल ने, 21 रन तो बनाए हैं 200 के स्ट्राइक रेट से बट दो बार अपना विकेट भी खोया है। तो पेसर्स के सामने रसल जो है थोड़े से चौक हो जाते हैं। अब इसका एक रीजन और मैं आपको बताऊं, रसल वर्सेज बुमराह देखिए, 40 बॉल में 51 रन, 40 बॉल्स 51 रन 3 विकेट्स, तीन बार विकेट दिया इन्होंने 40 बॉलों में बुमराह को, और 10 बॉलों में दो बार बोल्ट को दिया है। तो बोल्ट के सामने तो रसल वैसे भी थोड़े से घबरा जाते हैं, बुमराह के सामने थोड़ा सा खेल लेते हैं बट फिर भी उनको भी काफ़ी विकेटें दी हुई हैं। तो बुमराह बोल्ट अगर आएंगे लास्ट में बॉलिंग करने तो हो सकता है अगर रसल थोड़ा सा लेट बैटिंग करने आए तो उतने इफेक्टिव ना हो पाए, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो रसल को थोड़ा सा पहले बैट करने आना पड़ेगा। रसल वर्सेज चहर की बात करें, 9 बॉलों में 18 रन है कोई विकेट नहीं। आंद्रे रसल वर्सेज कृणाल पंड्या देखें तो 11 बॉल में 8 रन है और कोई विकेट नहीं। तो थोड़ा सा ये पेसर्स के खिलाफ ही इनको परेशानी होती है। तो बोल्ट हो गए, बुमराह हो गए, मिलने हो गए, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो रसल पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इस मैच के लिए। तो ये हो गई बात प्लेयर बैटल की, दोनों टीमों की जो तीन तीन टॉप क्वालिटी बैट्समैन थे उन पर हमने डिस्कशन किया और उनके स्टैट्स देखे जो मेन बॉलर से सामने वाली टीम के। अब जल्दी से हम प्लेयर परफॉर्मेंस देखते हैं जिसमें आप देखेंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। स्टैट्स आपके सामने हैं, मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि स्टैट्स आप fantasyexpress.com हमारी वेबसाइट जो है उस पर भी देख सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्विंटन डिकॉक का अगर आप फॉर्म देखें तो काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है, 34 का बैटिंग एवरेज कैरी करते हैं, साथ ही साथ अपोजिशन टीम के खिलाफ जो स्कोरिंग है इनकी उसमें लगभग 45% 40% मैचेस में स्कोरिंग इनकी 29 या 30 के आसपास की रहती है, उससे ज़्यादा की रहती है बट थोड़े से कम मैचेस में 40-45% मैचेस में, बट ये विकेट कीपिंग करते हैं तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है क्योंकि जब MI KKR खेलती है तो MI क्लियर फेवरेट है, तो उसमें कहीं ना कहीं विकटें मिलेंगी MI की टीम को, तो उसमें इनका थोड़ा सा हाथ रहेगा। क्विंटन डिकॉक के पास एक्स्ट्रा पॉइंट जनरेट हो सकते हैं। रोहित शर्मा इस मैच में खेल सकते हैं, 32 रन का बैटिंग एवरेज है, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। अपोजिशन टीम KKR के खिलाफ इनके रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छे हैं, पिछले अगर आप 4 मैच ही उठा के देखें तो उसमें मिनिमम स्कोर इनका 35 का है और मैक्सिमम 80 का स्कोर है, यानी 35 से 80 के बीच की स्कोरिंग है पिछले 4 मैचेस से KKR के सामने। तो रोहित शर्मा इस मैच में अगर खेलते हैं तो आई थिंक वो अच्छा स्कोर करेंगे। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, इनका 31 का बैटिंग एवरेज है, रीसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो लगभग 30% मैचेस में चल रहे हैं अपोजिशन टीम के खिलाफ, जबकि अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो लगभग 70-80% मैचेस में स्कोरिंग इनकी 25 से उससे ज़्यादा की रहती है, यानी ये भी KKR को बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा के जो हेड टू हेड रिकॉर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपोजिशन टीम के खिलाफ। फिर आते हैं ईशान किशन, जिनका बैटिंग एवरेज है 28 का, रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में 20 प्लस स्कोरिंग है अपोजिशन टीम के खिलाफ, 6 बार में 3 बार बैटिंग नहीं आई है, 3 बार आई है। फिर आते हैं सौरभ तिवारी, जिन्होंने पिछले मैच में 50 लगाया, रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक लग रहा है, हर 2-3 मैच में एक अच्छी स्कोरिंग करते हैं टीम के लिए, अपोजिशन टीम के खिलाफ मोस्ट कॉमन स्कोर आपको 15-20 के आसपास का मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा लेट भी बैटिंग करने आते हैं। फिर आते हैं केरोन पुलाट, पावर हिटर प्लस अभी बॉलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले मैच में 2 ओवर कराए थे, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं फिर से 1-2 ओवर के आसपास शायद कराएं बॉलिंग, और पावर हिटर हैं इसलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते, कभी भी अच्छे खासे रन बोर्ड पर लगा सकते हैं। पुलाट का बैटिंग एवरेज 32 का है, रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो अभी CPL में भी काफ़ी अच्छा करके आए हैं और 25-30 के आसपास की स्कोरिंग इनकी रहती है हर मैच में। अपोजिशन टीम के खिलाफ ज़्यादा बैटिंग नहीं आई बट जब जब बैटिंग आई है ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी हुई है। बॉलिंग में देखें तो पिछले 3 मैच से इनको कोई विकेट नहीं मिली, हालांकि बॉलिंग भी बहुत कम कराई है, लास्ट मैच में 2 ओवर कराए, CPL में तो 1-2 ओवर के आसपास करा रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं करा रहे थे।
अपोजिशन टीम के खिलाफ जो आखिरी 5 मैच हैं उसमें 3 बार इन्होंने बॉलिंग नहीं करी, 1 बार विकेट मिली है और 1 बार विकेट लेस गए हैं। तो थोड़ा सा सक्सेस रेट बॉलिंग में कम है इनका और बैटिंग का चांस थोड़ा सा कम है, बट फिर भी पावर हिटर है, टीम में ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क पे रहेगा क्योंकि अगर बैटिंग नहीं आई तो फिर आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे। फिर आते हैं कुणाल पंड्या, हाईली इकोनॉमिकल तो रहते हैं बट थोड़े से कम विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, टाइम आने पर अगर थोड़ी बहुत बैटिंग कर दें तो उससे पॉइंट आपको दे सकते हैं। बाकी बॉलिंग में विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है, पर मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इसके बाद एडम मिलने आते हैं, राहुल चेयर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट आते हैं, जिसमें मिलने का 121 इनिंग्स में 145 विकेट इनके नाम पे। रीसेंट फॉर्म बॉलिंग में बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो लगभग पिछले 5-6 मैचेस से लगातार विकेट ये लेके जा रहे हैं और मोस्ट कॉमनली 2-3 विकेट तक ले रहे हैं, तो फॉर्म इनका बहुत शानदार है और पावर प्लेज में अपने मैक्सिमम ओवर कर देते हैं। आप देखेंगे शुरुआत के ओवर्स में ही इनके 3 ओवर के आसपास खत्म हो जाते हैं, फिर एक डेथ के आसपास इनसे बॉलिंग करवा ली जाती है। ओवरऑल बहुत अच्छे पिक हैं, इन्होंने कभी केकेआर को फेस नहीं करा है। इसके बाद आते हैं राहुल चेयर, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, वैसे तो स्पिनर्स को इतनी वेन्यू पे हेल्प है नहीं, बट फिर भी दुबई के मुकाबले अबू धाबी में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। राहुल चेयर की अगर हम बात करें तो पिछले 5-6 मैचेस में 2 बार विकेट लेस गए, 6 मैचेस में 2 बार विकेट लेस गए और 4 बार विकेटें मिली हैं। सक्सेस रेट बोलेंगे तो 66% के आसपास का चल रहा है और अपोजिशन टीम के खिलाफ जो पिछले 5 मैच खेले हैं उसमें 1 बार विकेट लेस गए हैं, 4 बार इनको विकेटें मिली हैं, तो सक्सेस रेट अपोजिशन के खिलाफ 80% का है। तो चांसेस हैं इस मैच में 1-2 विकेट के आसपास शायद ले जाएं क्योंकि 4 ओवर पूरे करेंगे, अच्छे बॉलर हैं। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में भी बॉलिंग करते हैं और डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, खास करके जसप्रीत बुमराह जिनका मेन एरिया डेथ बॉलिंग ही है, सो बुमराह से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। रीसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा है, प्लस बोल्ट का फॉर्म भी अच्छा है। अपोजिशन टीम के खिलाफ बुमराह ने जो आखिरी 5 मैचेस खेले हैं उसमें 3 बार इनको विकेटें मिली हैं और बोल्ट ने जो आखिरी 5 मैचेस खेले हैं 5 में से 5 बार विकेटें मिली हैं। अब देखिए बोल्ट ने तो पिछले 5 मैच में 4 बार जो है अपोजिशन के खिलाफ 2-2 विकेटें निकाली हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक हैं। इवन बुमराह से ज़्यादा अच्छे स्टैट जो अभी दिख रहे हैं वो ट्रेंट बोल्ट के दिख रहे हैं, तो बोल्ट बुमराह वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है बट अगर आप हेड टू हेड स्टैट देखेंगे तो बोल्ट थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, शुभमन गिल यहाँ पे ओपन करेंगे वेंकटेश अय्यर के साथ, जिसमें आप अगर स्टैट देखें तो शुभमन गिल का बैटिंग एवरेज 32 का है। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में स्कोरिंग जो है 25-30 से ऊपर की है। अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड देखेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं है, पिछले 6 मैच में 3 बार स्कोरिंग ठीक ठाक है, बाकी टाइम स्कोरिंग थोड़ी सी कम रही है। 50% चांस फिर भी रहेगा कि 20-25 से ऊपर ही स्कोर करेंगे। वेंकटेश अय्यर की बात करें, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं अगर टीम इनसे बॉलिंग कराना चाहे तो। पिछले मैच में 41 रन की काफ़ी बढ़िया पारी इन्होंने खेली और रिसेंटली भी अच्छे खासे फॉर्म कैरी कर रहे थे T20 डोमेस्टिक्स में, तो आप उसके रिकॉर्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं। इनके लगभग 50% मैचेस में स्कोरिंग इनकी भी 25-30 से अभी जाएगी, बैटिंग एवरेज भी 38 के आसपास का निकल के आता है। इन्होंने कभी MI को फेस नहीं करा, ये इनका पहला मुकाबला होगा MI के खिलाफ। नीतीश राणा की बात करें तो इनके स्टैट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं MI के खिलाफ, आप देखें तो 28 का बैटिंग एवरेज है। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे इनका तो वो कुछ खास नहीं लगेगा, अगर आप उसमें देखें तो हर 2-3 मैच में एक बड़ी इनिंग दिखेगी, बट अगर आप नीतीश राणा की हेड टू हेड परफॉर्मेंसेज देखें तो मैक्सिमम मैचेस में 20-25 प्लस ही स्कोरिंग करी इन्होंने, यानी 20-25 तो आप मान के चल सकते हैं नीतीश राणा अगर ये मैच खेल रहे हैं तो इतना तो इनको स्कोर करना चाहिए इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से। इसके बाद राहुल त्रिपाठी आते हैं, इनका बैटिंग एवरेज नीतीश राणा से थोड़ा सा कम है, 25 का बैटिंग एवरेज है, थोड़ा सा नीचे भी बैट करने आते हैं, थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। अगर आप नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी में कन्फ्यूज हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, आपकी पहली प्रेफरेंस नीतीश राणा होनी चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस चाहे तो त्रिपाठी कर सकते हैं, हालांकि मैं उनको भी वहां भी कवर नहीं करता क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखें राहुल त्रिपाठी का MI के खिलाफ तो पिछले 6 मैचेस में स्कोरिंग इनकी 10 से ऊपर नहीं गई है, 10 भी नहीं गई है, तो राहुल त्रिपाठी के स्टैट जो है वो थोड़े से खराब हैं MI के सामने। इसके बाद इवन मॉर्गन की बात करें, इनका बैटिंग एवरेज 27 का है बट वही दिक्कत है कि बहुत नीचे बैट करने आते हैं और जब इन तब तक इनकी बैटिंग आती है या तो तब तक बॉलें खत्म हो जाती हैं या तब तक चेज वेज हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत है मॉर्गन की बैटिंग पोजीशन को लेके। स्किल बहुत अच्छी है और आपको पता है इंग्लैंड के कप्तान है तो ऐसे वैसे प्लेयर तो नहीं होंगे, अगर मौका मिलता है खेलने का तो बड़ी स्कोरिंग कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, स्मॉल लीग में आप छोड़ सकते हैं। दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन है और अगेन ये भी बहुत नीचे बैट करने आते हैं। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे इनका तो मोस्ट कॉमनली 15-20 के आसपास की स्कोरिंग इनसे हर मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब जब इनकी बैटिंग आएगी, जो इनका फॉर्म चल रहा है वो यही है कि 15-20 के आसपास की स्कोरिंग प्लस एक आध कैच या स्टंपिंग एक्स्ट्रा। अपोजिशन टीम के खिलाफ अगर आप इनके 7-8 मैच उठाएंगे तो उसमें 1-2 इनिंग्स जो है वो 30 अबव मिलेंगी, बाकी इनिंग्स जो है वो बिलो 15 जाएंगी, तो स्कोरिंग इनकी भी उतनी अच्छी है नहीं हेड टू हेड में भी। इसके बाद आंद्रे रसल आते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड बैट्समैन ये। अगर हम बात करें रीसेंट फॉर्म की तो देखिए इनको तो प्रमोशन मिलना पक्का ही रहता है, चाहे इनका एक विकेट गिरे, काफ़ी लेट भी गिरे तो भी इनको मिलेगा बैटिंग करने का मौका।
अब स्ट्रेटेजी क्या होगी केकेआर की मेरे हिसाब से, अब क्योंकि ये बोल्ट और बुमराह को उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो मेरे हिसाब से रसल जो है वो लगभग 12वें या 13वें ओवर में भेज दिए जाएंगे। उससे लेट अगर भेजते 15वें या 16वें ओवर में तो तब तक जो है पेसर्स वापस आ जाएंगे, और पेसर्स एक बार वापस आएंगे तो रसल स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से रसल को बैटिंग के लिए भेजने के लिए बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो 12वां या 13वां ओवर रहेगा, ताकि वो 2-3 ओवर कम से कम उनको स्पिनर्स के मिल पाएं और उसमें अच्छा खासा अटैक कर पाएं। अगर लास्ट में 17वें या 18वें ओवर तक भेजेंगे तो तब तक तो बोल्ट और बुमराह आ जाएंगे और उनके रिकॉर्ड आपको पता है रसल के सामने कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी होगी, तो रसल आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, थोड़ा सा पहले बैटिंग करने आ सकते हैं, प्लस बॉलिंग भी बहुत शानदार कर रहे हैं, सीपीएल में भी अच्छे खासे फॉर्म में थे, तो कप्तान की बेस्ट ऑप्शन आंद्रे रसल। इसके बाद सुनील नारायण की बारी आती है, बैटिंग में बहुत नीचे हैं बट बॉलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। इनके स्टैट्स जो हैं वो रोहित शर्मा के खिलाफ बहुत अच्छे, मैंने भी आपको दिखाया था, 7 बार विकेटें ली हैं और मात्र 123 बॉलें कराकर T20 फॉर्मेट में, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर मुझे लगा। सो ये थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं टीम में, चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं इन पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा। रीसेंट फॉर्म सीपीएल में काफ़ी बढ़िया था, पिछले मैच में ही विकेटलेस गए, वरना ये भी काफ़ी बढ़िया बॉलर हैं, प्लस टाइम आने पे बैटिंग कर सकते हैं। लॉकी फर्गंसन और प्रसिद्ध कृष्णा टीम के लिए डेथ में गेंदबाजी करते हैं रसल के साथ। लॉकी फर्गंसन की बात करें तो रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक लग रहा है, पिछले 7-8 जो मैच खेले उसमें एक या दो बार ही विकेटलेस गए हैं। अपोजिशन टीम के खिलाफ इनके जो दो मुकाबले हैं उसमें एक बार विकेटलेस गए हैं, उसके पहले वाले मैच में एक विकेट निकाली है। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करेंगे तो रिसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है, लगभग 70-75% मैच में ये भी विकेट लेके जा रहे हैं। अपोजिशन टीम के खिलाफ जो आखिरी 5 मैचेस हैं उसमें 2 बार विकेटलेस गए हैं, 3 बार विकेटें मिली हैं और ज्यादा विकेटें नहीं मिली, मात्र 1-1 विकेट के आसपास निकाली है, तो सक्सेस रेट इनका थोड़ा सा कम है, एमआई के खिलाफ उतना नहीं चलते हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो रीसेंट फॉर्म काफी बढ़िया है, पिछले मैच में 3 विकेटें निकाली, इसी वेन्यू पे निकाली, और अपोजिशन टीम के खिलाफ एमआई के खिलाफ जो आखिरी 2 मुकाबले हैं उसमें भी इन्होंने 1-1 विकेट निकाली थी। तो ये हो गई बात स्टैट्स की, आई होप आपको मैंने स्टैट्स में सब कुछ ही बता दिया है, और ये स्टैट्स देखने के बाद आई थिंक आप ड्रीम 11 की काफ़ी बढ़िया टीम बना लेंगे। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा चलते हैं ड्रीम 11 पे। साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी, उस पर ड्रीम 11 और फैन टू प्ले की टीम अभी बनेगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि फाइनल अपडेट तो देखिए आपको वहीं पर मिलेगा, जो अभी मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा वो टीम फाइनल नहीं है, उसका कुछ अपडेट अगर आएगा तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और बाजू में आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी चलते हैं ड्रीम 11 एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और टीम बना लेते हैं। सो गाइस, यहां पर इस मैच में मेरे कैप्टन जो है ड्रीम 11 पे वो आंद्रे रसल रहेंगे, और वाइस कैप्टन अभी मैंने फिलहाल क्वेंटन डिकॉक को बनाया है, जो मैं चेंज भी कर सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टीम को ओपन करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे मेरे पास क्वेंटन डिकॉक है, बैटिंग सेक्शन में मैंने रोहित शर्मा को लिया है, कैरन पुलार्ड को लिया है, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को लिया है, ये 4 मेरे बैट्समैन रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने यहाँ पे आंद्रे रसल को लिया है और वी अय्यर को लिया है, वेंकटेश अय्यर को। थोड़े से कम के रेट भी मेरे पास थे तो नितेश राणा को वैसे मैं लेना चाहता था बट मैं उनको ले नहीं पाया। नितेश राणा के रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया हैं एमआई के खिलाफ, तो वो मेरी पहली चॉइस थे बट उनके लाइक मेरे पास क्रेडिट नहीं है, तो मैंने कम क्रेडिट में अय्यर को ले लिया है, जो टीम के लिए ओपन करेंगे। हिट एंड मिस थोड़े से रहेंगे बट हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। बॉलिंग में मैंने क्या किया है, ट्रेंट बोल्ट जसप्रीत बुमराह बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, फिर मैंने एडम मिलने को लिया है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं मिलने की जगह पे तो आर चेहर को ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे वी चक्रवर्ती को लिया है। वी चक्रवर्ती की जगह पे आपके पास ऑप्शन में प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे, और इसके अलावा आप चाहें तो लॉकी फर्गंसन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरी ड्रीम 11 की टीम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम फैन टू प्ले टीम की। फैन टू प्ले काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, अगर आप फैंटेसी खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे खेल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे क्रेडिट की कोई कमी नहीं होती और यहाँ पे डेली ही कुछ ना कुछ ऑफर आते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अभी आईपीएल का लीडर बोर्ड चल रहा है, जिसमें अगर आप पार्ट लेते हैं तो अच्छे खासे प्राइजेस को विन कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइजेस की, तो यहाँ पे आपको आईफोन वगैरह मिल रहा है और स्मार्टफोन्स वगैरह मिल रहे हैं, वॉचेस वगैरह मिल रही हैं। तो लीडर बोर्ड प्राइज अगर आपको जीतने हैं तो हर आईपीएल के मैच में लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें आप 20 टीमों के साथ खेल सकते हैं। तो वो लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट आपको हर आईपीएल में ज्वाइन करना है, ताकि आपकी रैंक्स इंप्रूव हो और लीडर बोर्ड में जब आईपीएल खत्म हो जाए तो आप एक अच्छी रैंक पे लैंड करें, जिससे आपको एक अच्छा प्राइज मिल जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से मुंबई कोलकाता का हम ये मैच ओपन करते हैं और टीम बना लेते हैं। सो मेरी क्लासिक फैंटेसी की टीम जो इस मैच में रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। कैप्टन मेरे आंद्रे रसल, वाइस कैप्टन क्वेंटन डिकॉक, जिसमें आप थोड़ी बहुत बदलाव जो करूंगा वो टेलीग्राम पे बताऊंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, वेंकटेश अय्यर की जगह पे नितेश राणा को ले लिया, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट की कमी नहीं थी और राणा के रिकॉर्ड वाकई में जो है थोड़े से बेटर हैं केकेआर की तरफ से एमआई के अगेंस्ट, तो इनसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। बाकी टीम मेरी सेम है जो मैंने आपको ड्रीम 11 पे दिखाई थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हो गई बात क्लासिक फैंटेसी की। चैलेंज फैंटेसी अगर आप अभी तक नहीं खेल रहे फैन टू प्ले पे तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फैन टू प्ले एक मौका देती है चैलेंज फैंटेसी के थ्रू कि आप अपनी 2 प्लेयर 3 प्लेयर और 4 प्लेयर की टीम बना सकें। तो इसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्रिएट योर ओन चैलेंज पे क्लिक करना है। इसमें आप अपना खुद का चैलेंज बना लोगे, या फिर फीड में आपको दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टीम्स लगी हुई थी तो आप किसी को भी एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं। जो भी आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना हो एक्सेप्ट कीजिए, डिक्लाइन करना हो डिक्लाइन कीजिए। खुद का कॉन्टेस्ट बनाना है तो क्रिएट योर ओन चैलेंज में आप चले जाइए और यहाँ पे 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर जितने प्लेयर्स की आपको टीम बनानी है बना लीजिए। आपकी देखिए 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर की टीम में एक कॉमन प्लेयर जो रहेगा वो तो आपको पता ही है, आंद्रे रसल रहने वाला है। दूसरा कॉमन प्लेयर जो रहेगा उसमें आप क्विंटन डिकॉक ट्राई कर सकते हैं, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। केकेआर की तरफ से ज्यादा प्लेयर्स को ट्राई मत कीजिएगा मेरे हिसाब से। केकेआर की तरफ से एक तो आंद्रे रसल हो गए और दूसरे अभी शुभमन गिल ठीक ठाक फॉर्म में लग रहे हैं, तो इन 2 प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप 4 प्लेयर की टीम बना रहे हैं तो। बाकी 3 प्लेयर की टीम में भी कोशिश कीजिए 2 प्लेयर MI के रखिएगा, और 2 प्लेयर की अगर आप टीम बना रहे हैं तो वहां भी कोशिश कीजिएगा कि एक तो आंद्रे रसल हो जाए और दूसरे जो प्लेयर हो वो अगर फर्स्ट बॉलिंग हो MI की तो आप बुमराह या बोल्ट को रख सकते हैं, और अगर फर्स्ट बैटिंग हो MI की तो आपके पास रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ऑप्शन में। तो ये टीमें आपको बनानी है, मैंने बस आपको एक लॉजिक दे दिया है, और क्लासिक फैंटेसी की तो मैंने आपको टीम ही बता दी है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट भी दिख रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहीं पर आपको फन अपडेट मिलने वाली है। और तब तक के लिए बाय, कोई आपका सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और हो सके तो बहुत मेहनत कर रहा हूं तो यार एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।